स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं इसको देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जहाँ ए बी सी अचर राशि है और एक्स की घात जो है बहुपद के रूप में दो होती है। तो इसको कैसे हल करना है या इसके क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे हल करना है। तो हम देखते हैं कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2 6। फिर हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, और जो राइट में माइनस 2x दिया हुआ उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 2x प्लस 1, और 6 को भी हम राइट लेफ्ट में ले आएंगे प्लस 6 इक्वल 0। तो इसको हम सिंपल करते हैं तो यहाँ माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। यह हमको क्वाड्रेटिक समीकरण मिल गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले के लिए हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस 2x। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये राइट का 2x है उसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये भी माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल 0। इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। तो यह आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसका देखेंगे कि माना लंबाई L है और चौड़ाई हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दिया क्या है। कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और कितना दिया हुआ है? 528 स्क्वायर मीटर। लंबाई के स्थान पर हम रख देंगे 2b प्लस 1 और इंटू बी इक्वल 528। इसको हम सिंपल करते हैं तो b का अल्टी मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर प्लस b इक्वल 528। इसको हम थोड़ा और सिंपल करते हैं 2b स्क्वायर प्लस b माइनस
टाइम्स इक्वल जीरो, ये हमको आपको वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अगले क्वेश्चन में हमको यह दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसको हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस वन है, ठीक है। तो इनका गुणनफल तो क्या दिया हुआ है, x x प्लस वन का गुणन, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। इसको सिंपल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306। इसको और सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल जीरो, ये हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया, क्लियर। अगले प्रश्न में देखते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं रोहन की आयु कितनी मान लेते हैं x, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, क्लियर। 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 3, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 और 3 प्लस 3, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। अब इसको सरल कर लीजिए, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसको सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 29x और 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27 का 7 आएगा, रिमेनिंग 2 6 एंड 2 87 इक्वल टू 360। इसको हम और सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 29 एंड 3 32x। इसको अब हम 87 माइनस 360 को लेफ्ट में ले आए इक्वल जीरो। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको सबट्रैक्ट करिए तो माइनस यहाँ 3 यहाँ 50 में से 8 गया 7 273 इक्वल जीरो, यह आपको वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं, माना चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तो समय कितना होता है, समय बराबर t इक्वल दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ देखते हैं समय t कितना हो जाएगा, दूरी दी हुई है 480 और चाल कितना दिया हुआ है x। अब हम देखते हैं
कि यदि हम चाल को x किलोमीटर कम कर देते हैं तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। यानी अब समय जो है आपका, पहले समय टी था तो उसमें अब 3 घंटे ज़्यादा लग गए, और दूरी कितनी हो जाएगी 480, और चाल जो है आपकी पहले x थी अब उसमें से 8 कम कर दिया। इसको आप सरल करिए तो t का मान कितना है आपका, यहाँ रखेंगे आप 480 बटे x प्लस 3 इक्वल 480 अपॉन x माइनस 8। तो हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। इसको सिंपल करिए आप तो कितना हो जाएगा आपका, 480 कॉमन निकल गया और यहाँ आ जाएगा x, x प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 3, या माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए। इसको हम और सिंपल करके आपको वर्ग समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इसको पूरा करिए।